हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक पोर्ट्रेट बना के दिखाने वाली हूँ। कलर पोर्ट्रेट है तो कैसे करनी है, क्या क्या यूज़ करूँगी मैं और किस किस तरह से हमें पेंटिंग करनी है और ये सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। उससे पहले अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो मैं और एक बात बताने वाली हूँ दोस्तों, हम ऑनलाइन कंपटीशन रखने वाले हैं। उस आर्ट कंपटीशन है, उस कंपटीशन के लिए सब्जेक्ट्स हैं गो करुणा, स्टे होम, ये दो सब्जेक्ट हैं। तो इन सब्जेक्ट पे हम 16 तारीख को तेरह से 16 तारीख तक हम एक पेंटिंग बनाएंगे और पेंटिंग हम मुझे टैग करके डालोगे आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरे इंस्टा का लिंक दे इंस्टा की लिंक दी है, वो लिंक पे आप डाल दीजिए, मुझे टैग करके डाल दो। और उसके बाद मैं 18 तारीख को आपकी पेंटिंग्स के जिस पेंटिंग को ज़्यादा लाइक्स होगी वो पेंटिंग सिलेक्ट की जाएगी। उसमें 5 से 10 साल के बच्चों का एक ग्रुप रहेगा, 10 साल के बच्चों तक एक ग्रुप रहेगा, 10 से 18 साल तक और 18 से आगे तक एक ग्रुप रहेगा। तो हम देखते हैं किसकी पेंटिंग अच्छी होगी और इन तीनों में से जिस ग्रुप के सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे, पहला ग्रुप एक ग्रुप रहेगा 0 से 5 साल तक। इस तरह ए बी सी कौन से ग्रुप को में जिस पेंटिंग को ज़्यादा लाइक रहेंगे वो पेंटिंग में सिलेक्ट करूँगी। इस तरह से 3 पेंटिंग ए ग्रुप में, बी ग्रुप में और सी ग्रुप में से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालूँगी। तो दोस्तों आप चालू हो जाइए इस कंपटीशन के लिए। थैंक यू और हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मेकअप कलर से और पेंसिल कलर से अपनी स्केच कैसे पूरी की जा सकती है ये बताने वाली हूँ। तो चलो देखते हैं। पहले मैंने इसके आँखें कलर की है पेंसिल से, बाद में मेकअप कलर से कलर किया है। मैं मेकअप कलर बहुत यूज़ करती हूँ। मेकअप कलर से यानी कि हम जो मेकअप के लिए यूज़ करते जस्ट लाइक कॉम्पैक्ट लिपस्टिक, मेकअप ब्रश, ऐसे चीज़ें मैं मेरे पेपर के ऊपर पोर्ट्रेट के लिए यूज़ करती हूँ। जैसे हम मेकअप करते हैं वैसे ही मैं पेपर पे कलर्स मेकअप कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ, आईशैडोज इस तरह से यूज़ करती हूँ। आप देख सकते हैं ये जो मैं अभी कर रही हूँ ये थोड़ा सा मेरा गलत हो गया था, मैं ये मेरी सेकंड पेंटिंग है जो मैं मेकअप से कर रही हूँ, मैं भी सीख ही रही हूँ तो ऐसे गलतियाँ हो जाती हैं, इसलिए आप ध्यान से कीजिए। जहाँ वाइट स्पेस है वहाँ पे बिल्कुल मत कलर कीजिए, जस्ट एंड में ब्रश घुमा दीजिए। आईलैशेस के लिए मैंने पेंसिल और मार्कर का यूज़ किया है और आईब्रोज के लिए भी। उसके हाथों के लिए भी मैंने कॉम्पैक्ट का यूज़ किया है। वो कॉम्पैक्ट कलर्स कॉम्पैक्ट वगैरह आप मिक्स कर सकते हैं। ये उसका स्वेटर बनाया है मैंने जो चॉक से बनाया है, मैं कैमल के चॉक्स यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छा इफेक्ट दे रहा था। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी पेंटिंग दिख रही है।